नाज़रीन, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियाँ शहबाज शरीफ साहब के वज़ीरे आज़म नामज़द होते ही लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न का समा है। ईद से कबल ईद का समा है। आज चेयरमैन मियाँ नवीद बशीर उनके रिहाइश गाह पे आज जश्न का इंतजाम किया गया। MPM मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं उनके जश्न में शरीक होने के लिए। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। मियाँ साहब, क्या देख रहे हैं? ईद तो अभी दूर है, लाहौर की सड़कों पर, पाकिस्तान की सड़कों में आज से जश्न का समा है, क्या कह गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम माह रमज़ान के इस मुबारक मौके पे, मुबारक महीने में अल्लाह ताला ने जो हमारे पे ये खसूसी एहसान किया है उस पे हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस मुल्क पे जो एक मनहूसियत के साए छाए हुए थे पिछले 3.5-4 साल से, एक सिलेक्टेड नाअहल, करप्ट और जाली हुकूमत जो इस मुल्क पे मुसल्लत की गई थी और जिसने इस मुल्क की हर शोबा ज़िंदगी में इस मुल्क को वो कई साल पीछे ले गई, महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी, मईशत, हर चीज़ तबाह कर दी गई, खारजा पॉलिसी तबाह कर दी गई। आज अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है और जो असल जिनका मैंडेट था, असल जिस पार्टी का मैंडेट था, पिछला 2018 का इलेक्शन भी हम जीते हुए थे, हमसे वो इलेक्शन छीना गया था और चीन के इस न्याजी को इसके सिर पे वो ताज रखा गया था, वो तख्त पे बिठाया गया था पाकिस्तान के, मगर वो नाहल और करप्ट इंसान था, नशई इंसान था और उसने जिस तरह इस मुल्क के लोगों को जो है महंगाई और बेरोज़गारी से जिस तरह इस मुल्क के लोगों को तंग किया, आज अल्लाह ताला ने करोड़ों लोगों की दुआएं कबूल की। इस रमज़ानुल मुबारक के मौके पे लोगों ने मन्नतें मानी हुई थी, मौजज़े माने हुए थे, नफल पढ़े हैं, खुशियां मना रहे हैं और वाकई मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, आज पूरे पाकिस्तान में खुशी का समा है कि रमज़ानुल मुबारक में ईद की खुशी से पहले अल्लाह ताला ने खुशी दी। और आप ये देखें कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने अभी हलफ, अभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हलफ भी नहीं उठाया था तो डॉलर 8 रुपए कम हो गया, 8 रुपए पाकिस्तान की तारीख में कभी भी
दो दिन के अंदर डॉलर 8 रुपए नीचे नहीं आया। डर गया शहबाज शरीफ से। और आपकी स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की तारीख का ये रिकॉर्ड है। आज आपके मीडिया के तवस्त से ही वो सब बता रहे हैं टीवी पे कि पाकिस्तान की 74-75 साल तारीख में कभी स्टॉक मार्केट एक दिन में 1700 पॉइंट ऊपर नहीं गई। आज आपकी स्टॉक मार्केट 1700 पॉइंट ऊपर गई। अरबों रुपए का कारोबार आज स्टॉक मार्केट में हुआ है। ओवरऑल आज शहबाज शरीफ साहब ने हलफ ले लिया है। हलफ लेते से पहले उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे ये कहा है कि हम इंशाल्लाह महंगाई का, बेरोज़गारी का खात्मा करेंगे। उन्होंने फौरी तौर पे कम से कम तनख्वाह जो थी वो 25,000 रुपये कर दी, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी नवीद है उन लोगों के लिए कि जिनकी 15-18 हज़ार रुपये तनख्वाह थी। उसके बाद उन्होंने पेंशन में इजाफा किया है। उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पे ये कहा है कि आटा भी सस्ता करेंगे, ये रमज़ान बाज़ार जो है इनको बेहतर करेंगे और मार्केट में आटा लोगों को सस्ता फराहम करेंगे। इंशाल्लाह ताला पंजाब में भी अगले 2-3 दिनों में अल्लाह ताला के फजल करम से और अल्लाह ताला की खसूसी मेहरबानी से मियाँ हमजा साहब जब वज़ीर आला बनेंगे तो हम इंशाल्लाह ताला पंजाब में भी फौरी तौर पे महंगाई को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये सूबाई मामला है। इसको महंगाई को हमने कंट्रोल करना है, हमने बेरोज़गारी को कंट्रोल करना है, हमने जो मुल्क की मुआशी हालात ख़राब कर दिए गए हैं, मुल्क की खारजा पॉलिसी जो है बिगाड़ दी गई है, मुल्क का नक्शा बिगाड़ दिया गया है। वो पाकिस्तान जो 2018 में इनको मिला था, आज ये पाकिस्तान जो है वो कई साल पीछे चला गया है। इसको हमने इंशाल्लाह ताला दोबारा से मियां नवाज शरीफ साहब की, मियां शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज साहब की सरबराई में इस मुल्क को कौम की खिदमत करनी है, इस पाकिस्तान को संवारना है, बनाना है अमन तरक्की और खुशहाली का गहवारा। मियां नवीद बशीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मियां साहब क्या कहना चाहेंगे आज जो बड़ी फतह हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग? जी देखिए जी, मैं कोई लंबी चली बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतने करूँगा इंशाल्लाह अगला दौर हमारी नई नस्लों का दौर है और जो ये जीत है ये पूरे पाकिस्तान की जीत है इंशाल्लाह अल्लाह के तआला के फजल व करम से। ये जो वर्करों ने कुर्बानियाँ दी हैं 4 साल जो मियाँ नवाशी के साथ के बयाने के साथ जुड़े रहे हैं और वो बयाने की जीत है इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करता हमें नज़र आ रहा है। अब आप देखें ना, जैसे मियाँ साहब ने कहा है 8 रुपये एक दिन में 8 रुपये डॉलर नीचे आया। खाली डॉलर नीचे नहीं आया, ये बाकी चीज़ें भी आपको नीचे नज़र गिरती नज़र आएंगी। और हमारा सबसे पहले हमारे जो कायदीन का सबसे पहले जो टारगेट है ना, जैसे मियाँ साहब ने कहा ना रमज़ान बाज़ार, इंशाल्लाह ये रमज़ान में ही इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने लोगों का रिलीफ देना है और इंशाल्लाह देना है। मियाँ साहब वो कह रहे हैं इस्तीफे दे रहे हैं, आप एवान चला नहीं पाएंगे, कैसी स्ट्रेटजी? और भाई जान वो मैदान छोड़ के भाग गए हैं, वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वो एक भगोरा है, वो जो कहता था ना मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा, वो भाई सारा कुछ उठा के भाग गया है। आप देखें ना, हम तो कहते थे मुकाबला करें, पहले इसके कैंडिडेट ने शाह महमूद कैशी ने डॉक्यूमेंट उधर जमा करवाए अपने, हमें पता चला गया ये मुकाबला करेंगे हमसे, बाद में पता नहीं क्या हुआ ये उधर भी जोड़ के भाग गए। ये इंशाल्लाह 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 ये हमारा फायदा कर गए हैं। हमें अब जो थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी थी, थोड़ी सी ऐसे जो बिल जो हमने पास करवाने थे वो इंशाल्लाह हम फ्री एंड फेयर पास करवाएंगे। ये भाग गया, ये फिर बाहर से देखेगा कि हुआ क्या है इसके साथ। पहले PMLN मियां शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त सिर्फ आखिरी होप मियां शहबाज शरीफ साहब है। दुनिया जानती है कि उनसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा तोहफा मिल गया उनकी शक्ल में। ही इज द बिग एडमिनिस्ट्रेटर। रब से मोहब्बत का तकाजा है माहे रमजान, ईमान का असारा है ये नूरे रमजान। किंगडम वैली की जानिब से तमाम अहले इस्लाम को रमजान मुबारक।